हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ ढाबा स्टाइल में दाल तड़का। ये स्पाइसी दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। तेल गरम हो गया है, इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच राई डाल देंगे, एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसे चला लेंगे और प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। 3-4 मिनट बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 2 कटी हुई मिर्च डाल देंगे। इसे एक बार चला लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे जो लहसुन की स्मेल है वो चली जाएगी। 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें 1 कप कटा हुआ लौकी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे कद्दू, बीन्स, गाजर। आपको जो पसंद है अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसे ढककर 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए, 6 से 7 मिनट पकाने के बाद जो लौकी हैं वह थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। ढकने के बाद बीच बीच में इसे चलाकर 1 से 2 बार चेक करते रहें। अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। मिक्स करने के बाद इसे बस 2 मिनट के लिए पकने देंगे बिना ढके हुए। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर, यह ऑप्शनल है। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले मिक्स करने के बाद अब इसमें 1/2 कप धुली हुई तूर दाल डाल देंगे। दाल को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे। साथ ही में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर 4 से 5 सीटी आए तक पकने देंगे। पाँच सीटी के बाद पूरा प्रेशर निकलने देंगे, उसके बाद ही ढक्कन हटाएंगे। दाल अच्छे से गल गई है और इससे बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है। इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह दाल बहुत ही बढ़िया बनी है। इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें तड़का दे देंगे। तड़का पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे, थोड़े से कड़ी पत्ता डाल देंगे, 2-3 मिर्च डाल देंगे। मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इस तड़के को दाल के ऊपर डाल देंगे। तड़के को दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ मसालेदार तड़का दाल बिल्कुल रेडी है। यह चावल या रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इस तरीके से दाल को एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।